नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा, आप देख रहे हैं कुटुंब जागरण। हमारे साथ में राकेश शर्मा जी हैं। पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद सर। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने मुजफ्फरनगर में अपना दबदबा कायम किया है, आप और आपके जितने भी पार्टी के लोग हैं समर्थक, किस प्रकार से इनका दबदबा खत्म करेंगे? उन्हीं से पूछ लो, तो सारा काम हो रहा। वो तो कह रहे कि फिर तीसरी बार पता लग जाएगा ना, अब 4 जून आ जाने दो। अभी कह रहे हैं जब तक आप लोग सत्ता में बैठे थे कुछ किया हुआ नहीं है यहाँ पे, अब उन्होंने जो 10 साल में किया उन्हें पता लग जाएगा ना। अच्छा, संजीव जी का आपका एक भी काम नहीं पसंद आया उनका? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा काम पसंद की उसकी तो बात ही नहीं है, हमारे तो भाई है, वैसे तो मित्र भी है हमारे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन राजनीतिक विचारधारा जो है ना, उसी की तो लड़ाई है। ऐसे कहीं यहाँ जंग थोड़े, हथियार थोड़े चल रहे। नहीं नहीं, राजनीतिक तो ये विचारधारा के हिसाब से है। नहीं पसंद आई लोग, क्या दिक्कत है, हमें नहीं पसंद आई। आपने मतलब 19 में वोट दिया था उनको? नहीं, हमने क्यों दिया था, हम तो, मैं तो खुद एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, आपने वोट दूंगा? नहीं, आपने बताया कि नहीं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि लोगों की बात कर रहा हूँ, जनता की। जब ये तो जीते, वो सड़के गड्ढा मुक्त बन गई, अब चलिए ये तो काम सब, महिला सुरक्षित हो गई, महिलाओं को तो आप देखो सबसे ज्यादा तो जो है महिलाओं का उत्पीड़न जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया, और ये तो सब साक्ष्य भी है। उनके मंत्री आज तक जेल नहीं जा पाए। राम राज्य महिला खिलाड़ी बहने थी उनका, उन्हें सड़कों पर रौंदा गया, किस तरह से उन्हें अपमानित करने का काम किया। 750 किसानों की शहादत हुई, और इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, लाखों किसानों ने आत्महत्या की भुखमरी के कगार। किसानों की आय दुगनी हो गई सर। हमें ये तो, मैं भी खुद किसान का बेटा हूँ, मैं इस दर्द को समझता हूँ, कहीं आय दुगनी नहीं हुई, उनकी लागत दुगनी होगी। लेकिन राम राज्य तो आ गया है ना। राम कहाँ चले गए थे? तो कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम को कोई ला सकता है? वो तो साक्षात ईश्वर है, भगवान है, उन्हें कोई ला सकता है? वो तो स्वयं है, वो तो, अरे भैया वो तो निराकार हैं, ये कोई उन्हें भी कोई ला सकता है? ये लिया है उन्हें, अब के पता लग जाएगा। हमारे चारों शंकराचार्यों का जो अपमान किया ना, जो अपमान किया शंकराचार्यों का, वो पता लग जाएगा, धरती में उतर जाएगी सरकार। अब के सरकार वरकार नहीं आ रही इनकी, पता लग जाएगा इन्हें। सरकार नहीं आ रही, नहीं आ रही। 80 में से कितनी सीट यूपी में? भैया 80 में से नहीं, देश में ही खत्म हो जाएगी, भाजपा लिख लो आज। 80 में से यूपी में? मैं ये कह रहा हूँ, सुनो, हम बहुत छोटे से आदमी हैं, लेकिन बात आज ये रिकॉर्ड कर लेना छोटे भाई जी, और इस चुनाव के बाद 4 जून के बाद मिलना जी। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनी तो तब बात करेंगे। सरकार नहीं बनेगी, नहीं बनेगी सरकार, नहीं बनेगी। लोगों की आस्थाओं से खिलवाड़, लोगों की आस्थाओं से खिलवाड़ किया है, और किसानों ने जो आत्महत्या की है इस देश के लिए, और जो बेरोजगार युवा जो बेचारे दुखी हैं, आज किसी के पास रोजगार नहीं, एक वो ठगने का काम किया अग्निवीर के नाम पे, जो हमारे कर्मचारियों की पेंशन खा गई सरकार, दुनिया भर की समस्याएं, छोटे व्यापारी को बिल्कुल खत्म कर दिया। मात्र 50 घराने हिंदुस्तान के ऐसे हैं, 50-60 घराने होंगे जिनके लिए सरकार काम करने का काम कर रही है, वो अरबों खरबों के लोग बन गए। आप 15 लाख करोड़ रुपए जो है पूंजीपतियों का माफ करें, 2 लाख करोड़ रुपए किसानों का माफ कर देते, कितनी वाह होती। एक चीज बताइए, जब उद्योगपति खुश रहेगा तभी ना उद्योग लगेगा, तभी ना नौकरी। हाँ तो सब अब खुशी बता तो देंगे, 4 जून में पता लग जाएगा, जो हमारे यहाँ 19 अप्रैल में, वो तो मुझे पंडगर वाले बता देंगे। जितनी खुशी है ना सबको, वो 4 जून में मोदी जी को पता लग जाएगी। सर, समाजवादी पार्टी युवाओं के लिए क्या सोचती है? युवाओं के लिए समाजवादी पार्टी ने बहुत काम किए, जब हमारा नंबर आओगे बहुत काम करके दिखाओगे। लेकिन इन्होंने क्या किया वो पूछ लो आप इनसे। एक वो बेचारा गाँव गरीब का बेटा जो है, किसान का बेटा गांव में, जो बेचारा नहीं आगे चल पाता था, वो सेना में भर्ती हो जाता था हाई स्कूल इंटर करने के बाद में, अब वो भी छीन लिया, वो जो भी ठग लिया। कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा पुलिस वालों से भी कि पुलिस में भी 3 साल की स्कीम लाने जा रही सरकार, पुलिस वालों में। हाँ बिल्कुल, पुलिस में भी 3 साल की स्कीम, 3 साल की नौकरी में जो ठीक लगेगा ठीक रखेंगे, नहीं तो फिर अपना जाओ, अपना घर जाओ भाई। लेकिन सर, स्वास्थ्य सुविधा तो ठीक हो गई इनकी सरकार में, गुंडे माफिया थर थर कांपते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देख लो जाके कितने रोजनी कांड हो रहे, गुंडे माफिया आपको दिखाई नहीं दे रहे जी भैया? जो वांछित चल रहे भैया, वर्करी करवा रहे इनकी तो। अच्छा, हाँ जी, मुकदमों में वांछित चल रहे, वो प्रोग्राम करवा रहे इनके। लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं कि सब कुछ चंगा है यूपी में, फिर एक बार। हाँ तो योगी जी को भी और मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं को पता लग जाएगा 4 जून को क्या हो रहा है। सरकार बदलने के बाद में, सर सरकार बदलने के बाद में आप लोग कार्रवाई कैसे करेंगे? अरे सब होगी, ये सब, ये देश जो है ना, ये देश चलता है ब्यूरोक्रेसी से, ये देश रुकेगा नहीं। हमारा देश का जो युवा है वो बहुत कर्मठ है, बहुत जुझारू है, वो देश को रुकने नहीं देगा, इस आवाज़ को बुलंद रखेगा हमेशा। और भगवान की कृपा है, ईश्वर की, खुदा अल्लाह की, सबकी कृपा है, उनकी वाहेगुरु की, सबकी, सबका आशीर्वाद है। ये किसी के चलाने से नहीं चलता है, स्वतः चलता है, प्रकृति है,
ये किसी से रुकने वाली नहीं है। सर, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी और उनके सांसद कहते हैं कि इस बार 400 पार ले आइए, संविधान बदलना बहुत जरूरी है, इस पर आप और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा 400 पार नहीं 400 हार, 400 हार। नीतीश चाचा ने तो कह दिया 4000 पार। अब मैं कहता हूँ कहाँ बनाओगे इतनी बड़ी संसद, वे तो जो है 545-43 ही नहीं बैठाए जा रहे हैं, कहाँ बैठाओगे। अच्छा सर, एक चीज बताइए कि इस बार मुजफ्फरनगर की वैसे मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, आप लोग किस बेसिस पर वोट देंगे? विकास के मुद्दे पर, महंगाई पर, और लोगों के साथ में जो इस भाजपा के कार्यकाल में जो दुर्व्यवहार हुआ जी, जो अपमान का घूट सहन करना पड़ा, और मात्र एक इनके पास मुद्दा है, उसके अलावा इन पर कोई मुद्दा नहीं। ये सांप्रदायिकता के आधार पर आज तक सरकार आती है, लोग समझ जाना भी जरूरी है ना। मैं बताता हूँ रहा, धर्म कहीं नहीं जा रहा, धर्म बहुत बड़ी चीज है, वो भगवान ने पैदा की है, वो चीज वो कहीं खत्म नहीं हो सकती। ये बचावेंगे धर्म, इनका धर्म पूछ लो पहले क्या है, इनका भाजपा वाले तो कहते हैं इनका धर्म है ये पैसा। हाँ संजीव बालियान जी, अब सुनो, जिस दिन रैली हो रही है सरकार, जिस दिन सरकार बदलेगी ना, ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो ईडी और सीबीआई लगा रहे ना, फिर ये ही नहीं झेलना पड़ेगा सर। अभी देख लो आप, समय आने वाला, मतलब सरकार बदलेगी तो आप भी बदला लेंगे? हम नहीं बदला लेने के, भगवान है करने वाला, हम नहीं लेने के बदला, वो तो प्रकृति है, घूम के वही आना सबको। सरकार बदलेगी? हाँ हाँ बदल ली यार, ये तो आपको पता, मुझे क्यों पूछ रहे हैं। अच्छा सर, ब्राह्मण सभा की अभी मीटिंग हुई, तो ब्राह्मण लोग भाजपा से नाराज क्यों है, खुश कौन है भाजपा से? भाजपा से कोई नहीं, मुझे बता दो खुश कौन, आप खुश हो? किसान खुश है। एक मिनट भाई, खुश आप खुश हो भाजपा से? नहीं मेरा छोड़िए। अरे नहीं नहीं, अपने भी तो बताओ। मेरा छोड़िए, संगीत सोम घुस है। अरे नहीं, संगीत सोम घुस है, आरएसएस वाले संगीत सोम घुसेगा, वो भी भाजपा का ही है। कह रहे हैं कि भाजपा से खुश कौन है, आप बताओ, आप तो पूछते हो ना। किसान खुश है, महिला खुश है, जवान खुश है, युवा खुश है, देश की बेटियां खुश है, विद्यार्थी खुश है, सब स्मार्ट सिटी बन गया, नमामि गंगे की शुरुआत हो गई, राम मंदिर बन गया, मेरा भाई भी बन गया, मेरा भाई भी दूध का जला है। इलाज, इसका मतलब तुम भी माने कि इलाज होने जा रहा है इनका। चलो बाजू।